बैठक में हिस्सा लेंगे। किसान, जल, आपदा प्रबंधन, कृषि स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर प्रदेश का पक्ष रखते हुए अशोक गहलोत नजर आएंगे। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और निर्मला सीतारमण के साथ हुई मुलाकात अशोक गहलोत की। नीति आयोग की बैठक में आज शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। कल ही पहुंच गए थे दिल्ली अशोक गहलोत और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात हुई। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी इस दौरान शामिल हुए। मुलाकातों का सिलसिला यह चलता रहा और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई है अशोक गहलोत की। जाहिर तौर पर सूबे से जुड़ी हुई जो तमाम जरूरतें हैं, तमाम बातें हैं, वो रखते हुए नजर आएंगे। कुछ जो एक्सटर्नल एडेड फंडिंग होती है एडीबी की, जायका की, उसके लिए हमने कुछ डिमांड रखी है इनके सामने कि वो हमें प्रायोरिटी पे मदद करें, क्योंकि पानी की योजनाएं वहाँ पर पानी प्रायोरिटी हमारे लिए। राजस्थान वो प्रदेश है देश के अंदर जहाँ सूखा व अकाल पड़ता रहा है आज तक सदियों से। वहाँ सूखे अकाल के साथ में पीने के पानी भी, चारे का प्रॉब्लम, गायों के कैंप लगवाओ, तो बड़ी प्रॉब्लम जो अन्य राज्यों के मुकाबले में अलग होती है और उसमें पीने का पानी बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स है। तो जो स्कीम हमने बना के प्रपोज की है, चाहे वो जोधपुर लिफ्ट कैनाल की थर्ड फेज हो, चाहे वो बिशनपुर की योजना हो, पूरे राजस्थान की हमने जितनी भी योजनाएं जो बाहर की फंडिंग होगी उसके बारे में हमने बातचीत करी है। तो जी मीडिया संवाददाता मनोहर बिश्नोई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोहर, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? निश्चित रूप से सीएम गहलोत ने तमाम बातें कही कि किन किन तरीके की फंडिंग के लिए वो केंद्र सरकार के सामने पक्ष रखते हुए राज्य का नजर आएंगे, पूरी तैयारी की गई है। लेकिन आपके जरिए समझना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण के साथ में जो मुलाकात हुई उसमें वित्त से जुड़े हुए मामलों को लेकर, किन किन मामलों को लेकर चर्चा की और मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात में किन बातों पर चर्चा? जी देखिए, जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली आ गए और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में खास चार एजेंडों पर बात की गई। नदियों को पुनर्जीवित करना हो, कृषि क्षेत्र में जो नए प्रयास करने हैं, नए नवाचार करने हैं, उस संबंध में कोई कांग्रेस की तरफ से क्या सुझाव दिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री को, उस पर बात हुई है। और फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन के लिए जो है बात की गई, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में कोई खास नीति बनाकर उनके प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसको वहां के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए कैसे काम लिए जा सकते हैं, इन चार मुद्दों पर मनमोहन सिंह के साथ में बात हुई। साथ ही जो निर्मला सीतारमण है उनसे भी राजस्थान के कई मुद्दों पर बातचीत की और जो कई वित्तीय जो है सैंक्शन है वो रुकी हुई थी उसको पास करवाने के लिए उनसे बात की गई। वहीं राजस्थान जिस तरीके से पानी की समस्या और सूखे की समस्या जो लगातार जूझ रहा है और कई सदियों से, जैसे कि सीएम बता रहे थे, तो उन तमाम मुद्दों पर बात की और वित्तीय जो सहायता की मांग की है। साथ ही जो किसानों के ऋण माफी की जो बात थी उसमें जो केंद्रीकृत जो बैंकें हैं उनके ऋण माफी के लिए केंद्र सरकार की सपोर्ट की बात की। उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट का जो एक सुझाव है वो स्वीकार करे केंद्र और जो राज्य के किसान है वो जो लगातार जिस तरीके से जो है सूखे से ग्रसित भी है और साथ ही जो कई आपदाएं झेल चुके हैं उनको राहत मिले जो लोन माफी के दौरान, इन तमाम मुद्दों पर बात की है। साथ ही कई विभागीय जो सेंक्शन अटके हुए थे, कई नदियों के प्रोजेक्ट को लेकर के थे, कई जो नहरी क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट थे उन तमाम प्रोजेक्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्री से बात की है। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होता है मनोहर, जो राज्य आपके राज्यों की सीमाओं से सटते हैं, आपके उनके साथ में भी संबंध होते हैं राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से भी और इसके अलावा सामाजिक रूप से भी, तो ऐसे में चूंकि पंजाब के साथ में सीमा सटती है राजस्थान की और मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी एक खत लिखा था पानी को लेकर, रीलाइनिंग को लेकर,
और कुछ मामले ऐसे होते हैं पानी से जुड़े जो केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय से जुड़े होते हैं, नीति आयोग से भी कहीं ना कहीं योजनाओं के तौर पर देखे जाते हैं, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का ना शामिल होना ये कहा जा रहा था, क्या इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी आपको मिल पाई? देखिए, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हो चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, इनका जो है भाजपा के जो प्रधानमंत्री है मोदी, उनकी जो बैठक में शामिल होने का जो उनका पर्सनल फैसला है, उनका निजी जो फैसला है, लेकिन जो इस चीज को लेकर के राज्यों की जो एक एमओयू जो पहले हो चुके हैं उन एमओयू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो केंद्र की वित्तीय सैंक्शन जो होती है वो राज्यों किस तरीके से दी जाए, एलोकेशन क्या होता है और कितना मिलना चाहिए और कितना जल्दी मिलना चाहिए, इन तमाम जो मुद्दों पर है इस नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी, और जो आगे जो फ्यूचर में 5 साल से किस तरीके से रोड मैप बनाना है, केंद्र सरकार क्या चाहती है, किन राज्यों को किस तरीके से सहायता देना चाह रही है, किस राज्य में क्या प्रोजेक्ट नया लाना चाह रही है, उन तमाम जो मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करेंगे। वही राज्य के मुख्यमंत्री है वो अपनी मांगे हैं वो रखेंगे केंद्र के सामने। चलिए, शुक्रिया आपका मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए।